नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। कपिल मिश्रा को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है दिल्ली पुलिस ने। जी हां, वही दिल्ली पुलिस जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और जिसको कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा और दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। दरअसल कपिल मिश्रा दिल्ली हिंसा के मामले को लेकर के काफी चर्चा में है और ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा था, एक एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में यहां तक याचिका डाली है कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयानों की वजह से हिंसा भड़की और इसको लेकर के कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, FIR दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अब सियासी हलके में एक नई चर्चा छिड़ गई है क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि कपिल मिश्रा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। कपिल मिश्रा काफी पिछले दिनों से चर्चा में है, यहां तक कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दिए कि अगर 3 दिन के अंदर पुलिस ने CAA को लेकर के धरना दे रहे लोगों को नहीं हटाया सड़कों से तो कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ खुद सड़कों पर उतरेंगे। उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, उनके इस बयान को लेकर के काफी चर्चाएं हुई। इसी को लेकर के कपिल मिश्रा के खिलाफ जो है भड़काऊ बयान देने, भड़काऊ बातें करने का के आरोप लगा करके FIR दर्ज करने की भी मांग हो रही है। लेकिन अब नई खबर यह है कि कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस सुरक्षा देगी। सुरक्षा जो चक्र होता है उसके अंतर्गत आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अगर वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती है तो 11 आर्म्ड पुलिस के लोग जो हैं उनके पास होते हैं, उनकी सुरक्षा में दिन रात 24 घंटे रहते हैं, जिनमें से कि 9 जो है वो आर्म्ड पुलिस के जवान होते हैं जबकि 2 कमांडोज होते हैं। ये 24 घंटे उस व्यक्ति जिसको सुरक्षा दी गई है उसकी एक एक एक्टिविटी, एक एक उसकी उस पर नज़र रखते हैं, उसके साथ रहते हैं और किसी भी हाल में उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में कपिल मिश्रा चूंकि चर्चा में हैं, भड़काऊ बयान के साथ साथ वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर दिल्ली में उभर कर के आए हैं और दिल्ली CAA के मुद्दे को लेकर के कपिल मिश्रा जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो दिल्ली पुलिस ने एहतियातन ये फैसला लिया है कि इनको कपिल मिश्रा को एक सुरक्षा चक्र में रखा जाए और इसीलिए वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं और कई तरह की बातें भी होने लगी हैं, एक कयास लगाया जाने लगा है। जानकार जो बता रहे हैं उनका ये कहना है कि एक तरफ कहाँ FIR दर्ज करने की बात थी तो यहाँ सरकार उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।